हेलो गाइस, आप लोग का इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो मैं आज आप लोग के लिए कोई नॉर्मल वीडियो या ब्लॉग लेके नहीं आया हूँ। तो इस आज से पहले मैं सारा ब्लॉग आप लोग देखे ही होंगे तो उसका क्वालिटी कैसा है। और आज के बाद मैं जितना ही ब्लॉग आएगा उसका क्वालिटी पहले वीडियो से बहुत इम्प्रूव होने वाला। तो ये रहा वो चीज़, इसका अनबॉक्सिंग फटाफट अनबॉक्सिंग करते हैं। तो लेट्स गो। तो इससे पूरा अनबॉक्सिंग हो गया है। तो इसमें एक क्या ना डब्बा निकला है, इसमें देखते हैं इसमें क्या है। क्या है इसमें? एक है इसका चार्जिंग करने का केबल और एक है जो आईफोन से कनेक्ट होता है वो। और ये रहा आपका मेन बॉक्स। तो ये पूरे एयरबड्स की तरह पैकिंग करके दिया है, पूरा प्लास्टिक है। और पीछे टाइप सी चार्जिंग के लिए। तो खोलते हैं तो इसके अंदर एक है ये रिसीवर जो अपने है ना मोबाइल से कनेक्ट, मोबाइल में है ना इसे लगेगा टाइप सी बनने में। और एक ये रहा अपना माइक। इसका पन्नी हटा देते हैं तो यहाँ पे कंपनी का लोगो और इसमें बाकी कुछ नहीं रखा। खाली डब्बा चार्ज भी हो गया जो यहाँ पर दिखाई देता 100% है। तो अब इस माइक को टेस्ट करते हैं। तो मैं ना पूरा माइक का सेटअप कर लिया हूँ और पिछले अभी से पहले वाले में आपको और अभी वाले में आपको था माइक साउंड का क्वालिटी था अच्छा लग रहा हुआ पिछले के कंपेयर में। तो अब इसका है ना था डिस्टेंस वाला भी है ना क्वालिटी टेस्ट कर लेते हैं क्योंकि कितना दूर तक है इसका ये कनेक्ट रह पाता है। तो लेट्स गो। ये अप्रॉक्स 10 मीटर की दूरी पे हूँ और आप लोग लेंथ भी देख रहे हो कि हाँ मैं बाकी मोबाइल छत पे और मैं यहाँ पे हूँ। यहाँ से आप लोगों को साउंड आ रहा होगा। तो अब इससे थोड़ा दूर पे हम चलते हैं और वहाँ का डिस्टेंस देखते हैं कि साउंड आ रहा है आता है कि नहीं। तो गाइस तो यहाँ देख सकते हैं मैं अप्रॉक्स 50 मीटर की दूरी पर आ गया हूँ और यहाँ से है ना पूरा कनेक्ट अच्छे से क्वालिटी साउंड आ रहा है। तो मैं था और पीछे चलता हूँ, देखता हूँ कितना दूर तक और डिस्टेंस कवर करता है ये। तो मैं अभी 70-80 मीटर के डिस्टेंस पे आ गया हूँ और घर से बहुत ज़्यादा ही दूर पर आप देख सकते हैं यहाँ पे हूँ मैं। और था पीछे चलते हैं तो मेरे लिए बस इतना काफ़ी है क्या ना, मैं इतना दूर के डिस्टेंस में कभी बनाऊंगा नहीं। फिर भी आप लोगों को टेस्ट कराने के लिए मैं इतना दूर के डिस्टेंस पर वीडियो बना रहा हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये माइक अच्छा लगा होगा। तो अब चलते हैं ऊपर और इसका आगे का और रिव्यू आपको बताते हैं कि इसमें और क्या क्या फंक्शन है। तो इसको पहले माइक पर कॉलर पर लगाते हैं।
तो इसमें है ना नॉइज़ कैंसलेशन का है ना तीन लेवल है, जिसमें पहले फर्स्ट लेवल में थोड़ा बहुत होता है, फिर सेकंड लेवल में थोड़ा उससे ज़्यादा, थर्ड लेवल में सबसे अच्छा नॉइज़ कैंसलेशन होता है। और इसमें इको सिस्टम भी है, तो आप लोग को है ना ये जो वीडियो बनाया है तो इसका साउंड क्वालिटी बहुत अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और आगे वाले ब्लॉग में इसी तरह इस माइक से आप लोग को ब्लॉग आते ही रहेगा, तो इससे साउंड क्वालिटी में भी आपको अच्छा क्वालिटी मिलेगा। तब तक के लिए बाय।